हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को तो पर्यावाची सीरीज जो थी बड़ी ही पसंद आई, और आगे भी कोशिश करूंगा कि आज का पर्यावाची सीरीज भी आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने चूज किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। तो अगर आप इसको पढ़ ले जाते हो तो जान लो 2-3 सीरीज में आपका पर्यावाची पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने कहा था ना आपसे कि कम से कम पर्यावाची को 2-3 बार जरूर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और रिवाइज करते समय अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसको पूरा देख लेना प्लीज़ मेरे भाई। देखो, आप लोग मेरे भाई हो और मेरी किसी भी बात को टालते नहीं हो, मेरी हर बात को मानते हो, तो मेरी इस बात को भी मानना कि कोई भी एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसको स्किप नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए 20 क्वेश्चन में हमने डाला है अमृत का पर्यावाची, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो देखो, अमृत का पर्यावाची होता है दोस्तों सुधा, सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है सुधा। आगे है पीयूष, पीयूष भी आप लोगों के जानते होंगे। सोम, सोम आप लोगों के इतिहास में बताया होगा कि मुजवंत नामक पर्वत की चोटी पर यह सोम नामक एक वनस्पति होता था जिसका पान करते थे देवता। तो देवताओं उनका पान करते थे, और जो राक्षस होते थे वो सूरा पीते थे, सूरा का पान करते थे। तो सूरा माने मदिरा का पान करते थे, और अमृत का पान करते थे कौन, इस सोम को भी रखा गया। तो सुधा हो गया, पीयूष हो गया। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में होती है ना, वो सबसे मास्टर ग्रंथि कही जाती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसे याद रखो वो भी अमृत का पर्यावाची है। सुधा हो गया, पीयूष हो गया, सोम हो गया, अमी, अमी भी किसका है, अमी और अमीय दोनों ही ये अमृत के पर्यावासी हैं। और कौन सा है, जीवन उदक, जीवन धन उदक बराबर जीवनोदक, क्या हो जाएगा, जीवनोदक। तो ये भी अमृत का पर्यावाची है, यानी जीवन का उदय जिससे होता है वह जीवनोदक, ठीक है। तो सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमी, जीवनोदक, ये सारा जो है अमृत का पर्यावाची। देखो, मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पे मैंने कंटेंट को कवर किया है, हो सकता है एक आग तो कभी भूल गया हो, तो भूल गया ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावाची मैंने एक जगह पे ला के रखा हूँ। आगे है जंगल का, ये भी कई बार आपसे पूछ चुका है, तो कुछ तो ऐसा है जो सभी को पता है, जैसे जंगल को वन कहा जाता है, बच्चा बच्चा जानता है। और आगे है अरण्य, तो इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्यड़क, ठीक है, आर्यड़क कहाँ लिखे गए थे, जंगलों में लिखे गए, तो अरण्य भी क्या होता है, जंगल का होता है। और कानन, कानन भी बोला जाता है जंगल का। अब बात आती है यार कि कानन को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि कई बार आया है, ठीक है, कानन। तो चलो कानन को याद कर लो कान से, कानन में कान दिख रहा है, कान में ढेर सारे बाल होते हैं, तो ऐसे ही जंगल में ढेर सारे वृक्ष होते हैं। तो कान जहां पे आ जाए समझ जाना क्या है, जंगल है। जैसे कानन हो गया, जैसे कांतार हो गया, दोनों को आप कहां रख देना, जंगल में। विपिन, विपिन को भी क्या बोला जाता है, जंगल बोला जाता है। अटवी, ये अटवी मेरे भाई प्लीज, कानन और अटवी ये दो तो एकदम याद कर लो, बहुत पूछता है अटवी। इसके अलावा गहन और दव, ये भी जो है दावानल का नाम सुना है ना, दावानल, दावानल ने जंगलों में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं, तो दव से बना है दावानल, ठीक है। दव माने क्या होता है, जंगल, ठीक है, तो याद रखिए। आगे है घोड़ा, बहुत बार आपके एग्जाम में आया घोड़ा से संबंधित। अश्व बोला जाता है, ठीक है बोला जाता है, और तुरंग, जैसे घोड़ा को हाकते ना, है ठीक है, तो ऐसे याद रखो घोड़ा का क्या हो जाएगा, है। और तुरंग, तुरंग भी किसका है, ये भी घोड़ा का पर्यावाची है। घोड़ा का हो रहा है घोटक, घोटक भी घोड़ा का है। और बाकी सैंधव, तो सैंधव आप ले लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से, हालांकि वहाँ पर घोड़े का कोई प्रमाण नहीं मिला था, बट उसके बावजूद भी सुरकोटदा वगैरह से घोड़े की हड्डियाँ वगैरह मिली हैं। बाकी है बाजी, बाजी भी किसका है, घोड़ा का पर्यावाची है। रविसुत, ये भी घोड़ा का पर्यावाची है, रविसुत, ठीक है। और आगे मैं बताऊँगा रविसुता, ठीक है, ये किसका पर्यावाची आप बताइएगा, रविसुता। और तुरंगम, तुरंग और तुरंगम ये दोनों जो है पर्यावाची है घोड़ा का। आपसे पूछता है कौन सा नहीं है, तो याद रखिए तरंग जो होता है वो नहीं होता घोड़ा का पर्यावाची, बाकी तुरंग और तुरंगम ये दोनों होता है। आगे है वृक्ष, बहुत बार आपसे पूछा है वृक्ष की पर्यावाची, तो वृक्ष का तरु, पेड़, पादप, ये सभी लोग जानते हैं, 2-3 बिटप भी ज़्यादातर लोग जानते हैं। नया बनता है एक आपका लिए नया, अगम हो गया, साखी हो गया, वृक्ष में शाखाएं होती, साखी हो गया, उससे याद कर लो। द्रुम, द्रुम माने भी होता है वृक्ष होता है, और रुख, रुख माने भी क्या होता है, वृक्ष होता है। दोस्तों देखो, पर्यावाची ऐसी चीज़ है ना कि बहुत ज़्यादा आपको रटाया नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि यह एक ही अर्थ के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, इनका जो मीनिंग होता है वो सबका सेम होता है, और अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसका निर्माण किया है, किसी ज़माने में कुछ कहा जाता है, किसी ज़माने में कुछ कहा जाता है, तो धीरे धीरे जैसे रूप परिवर्तन होता है, समय बदलता है, वैसे वैसे इनका नाम सामने आया है। तो ऐसे में इनका कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बार आप पढ़ो, यही एक रास्ता है। आगे है गणेश, गणेश का पर्यावाची क्या है, जहाँ पर ट्रिक लैक कंडीशन होती वहाँ मैं खुद ही बता देता हूँ। तो गणेश का गजानन, विनायक, लंबोदर, ये सभी लोग जानते हैं, गणपति हो गया। गौरी सुत, सुत माने होता है पुत्र, तो गौरी सुत माने गौरी का पुत्र, ठीक है, तो गौरी उनकी माता का नाम था। मूषक वाहन, मूस की सवारी पर करने वाले, मूषक वाहन। लंबतुंड,
वक्र तुंड लंब तुंड दोनों इन्हीं का होता है। हेरम्ब भी इनको कहा जाता है। गजवदन, ठीक है, हाथी का शरीर धारण किए हुए विघ्न विनाशक कहा जाता है। भवानी दंत को कहा जाता है भवानी नंदन, महाकाय, गिरजानंदन, एकदंत, ठीक है, वक्रतुंड, द्वयमातुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोदक प्रिय यानी लड्डू जिसका प्रिय है। आइए एक श्लोक आपको बताता हूँ। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि शम प्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ये श्लोक आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसका अर्थ क्या होता है? ये हाथी के जैसे विशालकाय जिसका तेज सूर्य की सहस्त्र किरणों के समान है, बिना विघ्न के मेरा कार्य पूरा हो और सदा ही मेरे लिए शुभ हो, ऐसी कामना करता हूँ। आपको लगेगा कि सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो? देखो, वक्रतुंडम महाकाय, वक्रतुंड जो है ये भी भगवान गणेश जी का पर्यायवाची है, महाकाय ये भी पर्यायवाची है। देखो, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि शम प्रभ, सूर्यकोटि भी उन्हीं का है, शम प्रभ नहीं है, ठीक है, सूर्यकोटि भी गणेश जी का पर्यायवाची है। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि शम प्रभ निर्विघ्नम, ये भी उन्हीं का है, कुरुमे देव सर्वकारेषु सर्वदा, ठीक है, ये सब है। आगे देखिए एक और मैंने यहाँ पे लिखा है श्लोक। एक दंतम महाकायम लंबोदर गजाननम विघ्न नाश करम देवम हेरम्बम प्रणाम्यहम, ठीक है, तो ये भी जो है उन्हीं का है। देखो अब यहाँ इसका मतलब पहले समझ लो, जो एक दांत से सुबेदित है, तो एक दंत दयावंत, ठीक है, तो एक दंत भी किसको बोलते हैं? भगवान गणेश जी को बोलते हैं। विशाल शरीर वाले, तो महाकाय भी किसकी पर्यायवाची है? गणेश जी का है। लंबोदर भी किसकी है? लंबा है उदर जिसका, ठीक है, ये भी गणेश जी का है। गजाननम किसका है? ठीक है, गज है जिसका, आनन आनन माने सिर, गज माने हाथी, हाथी का जिसका सिर हो क्या है? गणेश हैं, ठीक है, तो ये सब पर्यायवाची है। विघ्न नाश करम, ठीक है, ये भी किसका है? ये भी गणेश जी का पर्यायवाची है। देवम, इनको देवम भी कहा जाता है। हेरम्बम, हेरम्ब भी इनका पर्यायवाची है, हेरम्ब। अब प्रणाम्यहम, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। तो वही बता रहा है कि जो एक दांत से सुशोभित हैं, विशाल शरीर वाले हैं, लंबोदर हैं, गजानन हैं, और जो विघ्नों के विनाश करता है, मैं उन दिव्य भगवान हेरम्ब को प्रणाम करता हूँ। तो याद रखिए, हेरम्ब भी किसका नाम है? गणेश जी का नाम है। तो इस तरह से अगर आप याद करोगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलो लगे हाथ हम लोग आँख का कवर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आँख का नेत्र है, चक्षु है, दृष्टि है, नयन है, सभी को पता होता है। लोचन भी ज़्यादातर लोगों को पता होता है। दृग नहीं पता होता है, तो दृग याद रख लो, दृग और दृष्टि दोनों होता है, ठीक है। अच्छी भी बोला जाता है आँख को, चक्षु अच्छी, ठीक है, अंबकम, ठीक है, अंबकम। आगे है चख, दीदा, दीदा से बना है दीदार, तो हर दीदार ना भाई, दीदार मतलब दीदा, तो हर दीदा ना लगा था, दीदा मतलब आँख। इच्छड़, विलोचन, धूम्र विलोचन नैना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो लोचन विलोचन दोनों आँख का होता है। आगे है सिंह का, शेर का देखिए क्या होता है, सिंह का शेर होता है, सबको पता है। और इसके अलावा हरी, हरी बोलते हैं, के हरी, हरी दोनों बोलते हैं, के हरी वाहन राजत, ठीक है, खड़ग कपरधारी, तो ये आप पढ़े होंगे जब माता दुर्गा का आरती पढ़ते हो तब, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ते हो, तो हरी हो गया, केहरी हो गया, दोनों शेर का होता है, शेर, हरी, केहरी। नाहर, नाहर भी किसका होता है? शेर का होता है। नाहरगढ़ का किला जयपुर में आमेर के किले के पास है, बहुत अच्छा किला है। आगे हम मृगारी हैं, जो मृग का हरण करते हैं, मृगारी, ठीक है, या मृगराज, मृगों के राजा। व्याघ्र, पंचानन, शार्दुल, शार्दुल बहुत पूछता है, शार्दुल, पंचानन भी है, वनराज भी है, केसरी भी कहा जाता है, और चित्रक भी कहा जाता है। अब चित्रक देखो, ये थोड़ा सा अलग है, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए चित्रक, तो किसी के दिमाग नहीं काम करेगा यार, चित्रक शेर का पर्यायवाची हो सकता है। मैं कह रहा हूँ यार, आप लोग पढ़ो, अगर आप लोग पढ़ोगे और एक बार भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलो सर्प का भी देख लेते हैं। सर्प का बता रहा है, सांप होता है, नाग होता है। अब देखो यहाँ भी हरी हो गया, अभी हमने यहाँ सिंह का पढ़ा, यहाँ भी हमने हरी देखा, यहाँ भी हमने हरी देखा, विष्णु का पढ़ा था हमने, वहाँ भी हरी देखा। तो जी हाँ, कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जो बहुत जगह मैच करते हैं, उनको याद करो आप। जैसे यहाँ नाग है, नाग जो है सर्प का भी होता है, और नाग जो है पर्वत का भी होता है। अब उसके लिए आप क्या करोगे? बाकी विषधर यानी विष को धारण करने वाला, मणिधर मणि को धारण करने वाला, पन्नग, पन्नग भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्प का। सारंग तो कई लोगों का, सारंग जल को कहा जाता है, सारंग मृग को कहा जाता है, हिरण को, कोयल को कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है, ठीक है, आपके जो है कामदेव को कहा जाता है, बहुत लोगों को कहा जाता है। अही हो गया, उरग हो गया, ब्याल हो गया। देखो यहाँ व्याघ्र माने शेर था, अब ब्याल माने होता है
सर्प, भुजंग हो गया, ठीक है, ये सब किसके होते हैं, तो सर्प के हैं। कुछ स्पेशल फैक्ट है एक दो था, अब देख लीजिए। सारंग का बता रहा है कि कामदेव, मृग, कोयल, हाथी, सिंह, सर्प, जल, हिरण, इन सब का पर्यायवाची सारंग होता है, तो इसीलिए लोग कन्फ्यूज भी होते हैं और कई बार एग्जाम में पूछता है। हरि का ही उठा लो तो शेर का होता है, सर्प का होता है, विष्णु का होता है, इंद्र का भी हरि होता है, बंदर का भी हरि होता है, चंद्र का भी हरि होता है, तो ये सब भी याद करके रखो। हाँ, आगे चलो पढ़ते हैं। अगला है आम का पर्यायवाची। तो आम को आम्र बोलते हैं, अमृत फल बोलते हैं, रसाल, उसमें रस बहुत ज़्यादा, रसाल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीक बल्लभ, पीक बल्लभ बोला जाता है। देखो पीक शब्द जहाँ लगा था, पीक प्रिय, पीक बल्लभ, पीक बंधु, ठीक है, ये सब पक्षियों का प्रिय होता है आम, ओके। आगे है फल श्रेष्ठ, सारे फलों में श्रेष्ठ होता है। शहकार भी आम को बोला जाता है, पियम्बू भी इसी को बोला जाता है, अति सौरभ भी बोला जाता है, और मधुदूत भी बोला जाता है। ये सब आम के पर्यायवाची हैं। आगे है पर्वत, पर्वत को बोलते हैं पहाड़, गिरी, ये सभी पता होगा, अचल, ये सब आपको पता होगा, और शैल, ये पता होगा। अब देखो भूधर भी बोलते हैं, भूधर समझ कर आप सांप को मटिक कर देना, भूधर किसका है, पर्वत का है। लोग भूधर समझते हैं कि कहीं घुसा उसा होगा, बिल में सांप है, नहीं, भूधर किसका पर्यायवाची है, पर्वत का। भूधर, महीधर, ये दोनों, धरणीधर भी, ठीक है, धरणीधर मतलब धरती को धारण करने वाला, भूमि को धारण करने वाला, भूधर, महीधर, भूधर। नग, नग माने भी क्या होता है, पर्वत, नग माने भी क्या है, पर्वत। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं नदी का पर्यायवाची, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो नदी का पर्यायवाची है सरिता, ठीक है। नदी को नदिया, तटिया, ठीक है, वाहिनी, तटनी, ये सब भी बोलते हैं। इसके अलावा निम्नगा भी बोलते हैं, ठीक है, निम्नगा, अपगा, शैवालिनी, शैल से निकलने वाली, तरंगिणी, श्रोश्विनी, शैलजा, लरमाला, शिधुगामिनी, पयश्विनी, ठीक है, ये सब का सब जो है नदी की पर्यायवाची है। तो अगर आप पढ़ोगे तभी आप याद कर सकते। क्या इसका ट्रिक बनाओगे बताओ, इसका ट्रिक क्या होगा, कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक व्रिक नहीं एग्जाम में काम आता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा बातें आपको याद रहेंगी। और वैसे भी आज पढ़ने के बाद मैं आगे कोशिश करूँगा कि 10-20 और आपको पर्यायवाची दूँ, उसके बाद कराऊँगा प्रैक्टिस, ठीक है, 3-4 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा बढ़िया से, पर्यायवाची एकदम खत्म हो जाएगा, फिर मैं हाथ लगाऊंगा विलोम के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग विलोम विलोम को कायदे से नहीं पढ़े हैं, इसी तरह पढ़ेंगे। आगे देखिए पक्षी में दे रहा है, पक्षी का देख लीजिए, पक्षी को चिड़िया बोलते हैं, खग विहग बोला जाता है, खग भी बोलते हैं, विहग भी बोलते हैं, ये ज़्यादातर लोगों को पता है, खग विहग दोनों, विहंग भी बोला जाता है। नभचर मतलब नभ माने होता आकाश, चर माने चरने वाला, आकाश में चरने वाला, उड़ने वाला क्या है, पक्षी है, ठीक है। पखेरु, ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, पखेरु जो है पक्षी का होता है पर्यायवाची, पखेरु। इसके अलावा संकुत और शकुनी भी किसका पर्यायवाची है, पक्षी का है, ठीक है। शकुनी, द्विज भी किसका पर्यायवाची है, तो नीचे का जो तीन है इसको याद कर लेना, कंफर्म आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा दिल बोल देता है कि कौन कौन सा आने वाला है। हनुमान जी का देख लेना, हनुमान जी तो पवन सुत हनुमान, महावीर हनुमान, कपीस हो गया, पवन पुत्र हो गया, कपीश्वर हो गया, रामदूत हो गया, अंजनी पुत्र हो गया, सब हनुमान का है कि नहीं, तो सिंपल है। आगे देखिए हाथी का देखिए, अभी हमने ऊपर गणेश जी का देखा था हाथी को, तो गज, गज हाथी का होता है, गजानन गणेश जी का होता है। मतंग, मतंग भी बोलते हैं हाथी को, गज से गजेंद्र बना है। ब्याल बोलते हैं, ब्याल देखिए सर्प का भी था, ब्याल जो है सर्प का भी था, देखिएगा, ब्याल, ब्याल माने व्याकुल, तो सर्प का भी है होता है ब्याल, और हाथी का भी होता है ब्याल। और जो व्याघ्र पढ़ते हैं वो व्याघ्र होता है शेर का, व्याघ्र, ठीक है, यहाँ पर ब्याल है। कुंभी, ये भी किसका जल पर्यायवाची है, हाथी का है। दंती, दंती, उनके पास दो दांत निकला होता है इसे दंती बना। नाग भी किसका पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची है। द्विरथ, द्विरथ भी किसका है, हाथी का है। करी, हस्ती, हस्वी नहीं है दोस्तों, वो हस्ती है, ह स ती, हस्ती भी किसका पर्यायवाची है, हाथी का है, तो याद रखिएगा। आगे चलिए पढ़ते बिजली का पर्यायवाची, तो बिजली को बोला जाता है दामिनी, चंचला, चपला, तड़ित, ये सब जो है बिजली के पर्यायवाची होते हैं। अरे कौन सा लाइट वाला, बत्ती वाला नहीं, जो आसमान से बिजली गिरता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे देखिए भंवरा, बहुत बार पूछा है, भंवरा का भंवरा भी होता है, भ्रमर भी होता है। मधुकर, मधुराज, मधुप, ये सभी को पता है, दो नहीं पता है एक अली, अली 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 भंवरे का पर्यायवाची है। द्विरेफ किसका है, द्विरेफ किसका पर्यायवाची है, तो भंवरा का है। और ऊपर हमने पढ़ा था द्विरथ, ये हाथी का है, तो द्विरेफ ये जो है भंवरे का है, द्विरथ ये आपके हाथी का है। आगे देखिए घर, कई बार पूछा घर का भी, तो घर का होता है गृह होता है, निकेतन होता है, आयतन माने भी घर होता है, किसके माने, आयतन, एक वर्ग बनाओ एक आयतन बनाओ, तो आयतन रेक्टेंगल, ये भी याद रखिए घर का होता है। निलय, निलय माने भी घर होता है, सदन माने घर होता है, मकान माने घर होता है, सिंपल सा ना। मंदिर माने भी घर होता है, घर एक मंदिर,
धाम माने भी होता है, ठीक है, भवन माने होता है, आलय होता है, आलय इसे नहीं बोलते, विद्यालय, ठीक है, तो विद्या है जिसका आलय, यानी जहाँ पर विद्या का घर है वही क्या है, विद्यालय है। हाँ, तो इसी तरह शाला भी बोलते हैं ऐसे नहीं, क्या बोलते हो आप, अरे कौन शाला, गृहशाला, घोड़ अश्वशाला, ठीक है, तो शाला से बनता है, घोड़े का घर है तो अश्वशाला हो गया, ठीक है, तो ऐसे शाला करके बनते हैं। गृह से बन गया गेह, यह भी है, आगार भी होता है, निकेतन भी कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, ओक आपने नहीं देखा होगा बट इसको आप याद रखें, अयनशाला भी होता है, ओक याद रखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओक है। आगे देखिए पुत्री का कौन कौन सा होता है, तो पुत्री को लड़की कहो, बेटी कहो, सुता, सुता कहो, तनया और आत्मजा, ये स्पेशली तनया, तनुजा, आत्मजा, ये अक्सर करके शादी वाले कार्ड पर लिखा होता है ना, आत्मजा और आत्मज, आत्मज माने पुत्र, आत्मजा माने पुत्री, तनया मानी पुत्री, तनुजा मानी पुत्री, दुहिता, दुहिता भी किसको बोलते हैं, पुत्री को बोलते हैं, कन्या, नंदिनी, अपत्या, ये भी किसको बोलते हैं, पुत्री को बोलते हैं, ठीक है। रात्रि का देख लीजिए, कई बार पूछता है रात्रि का, रात्रि का होता है रात, विभावरी होता है, ठीक है। इसके अलावा त्रियामा बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रियामा और यामिनी, ये दोनों जो है रात्रि का पर्यायवाची है। छड़दा, शर्वरी, निशा, रजनी, ये तो पता ही होगा, रैन बसेरा सुना होगा, रैन बसेरा माने क्या होता है, रात को ठहरने की जगह, रैन बसेरा, ठीक है, तो रैन, रैन से भी क्या है, रात्रि। आगे है तमी, क्या है, तमी, तमी है, निशित है, छपा है, ये सब रात्रि का पर्यायवाची होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कपड़ा का कौन कौन सा होता है, तो कपड़ा का होता है वस्त्र होता है, पट होता है, परिधान सुना होगा आपने, चैल नहीं सुना होगा लेकिन चैल आपको याद रखना है, चैल हो गया। अंबर वैसे आकाश का होता है बट कपड़ा का भी अंबर होता है, ठीक है, वसन भी होता है कपड़ा का, चीर होता है, ठीक है, दुकूल होता है, करपट होता है, वसन बता दिया, पहरावा होता है, ठीक है, ये सब कपड़ा का होता है। आगे है अर्जुन का कौन कौन सा है, तो अर्जुन को पार्थ बोला जाता है, अर्जुन को भारत भी बोला जाता है। अभी देखो भारत अगर आ गया तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर लोग बता पाएंगे, ध्यान ही नहीं पड़ता, अभी एक बार अगर पढ़े रहोगे ना तो अगर आ जाएगा तो आप कर ले जाओगे, मेरी बातें याद आ जाएंगी। तो पार्थ हो गया, भारत हो गया, गांडीधारी, गांडी उनके धनुष का नाम था, गांडीधारी मतलब गांडी को धारण करने वाले अर्जुन, धनंजय, ठीक है, धनंजय भी उनका नाम था, पार्थ बताई दिया हूँ, सभ्यसाची भी कहा जाता था अर्जुन को, सभ्यसाची बहुत बार पूछा एग्जाम में, सभ्यसाची, विभुत्स कहा जाता था, फाल्गुनी, ठीक है, फाल्गुनी भी किसको बोला जाता है, अर्जुन को, और कपिध्वज, ठीक है, ये भी अर्जुन को। और आज के लिए आखिरी आपका है आकाश का पर्यायवाची, तो अंबर, अभी हमने ऊपर पढ़ा कपड़ा का भी था, गगन, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य, नभ, द्यो याद रखिए, द्यो बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाश के सबसे इंपॉर्टेंट में कौन सा है, देव और पुष्कर, ये याद रखिए। बाकी तारापथ हो गया, खम हो गया, ये सब भी आकाश के पर्यायवाची हैं। तो 20-20-40 पर्यायवाची तो हम लोग बड़े आराम से कवर कर लिए, क्यों, अच्छा पता है मैं यहाँ पे ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ाया, ज़्यादा पढ़ाता तो एक्सेस हो जाता, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रखने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पर्यायवाची जानना। अभी हम एक दो सीरीज़ की और लेके आएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बचे हुए हैं, तो उनको हम लोग कवर करेंगे, देन हम लोग ये चैप्टर समाप्त करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ताकि बची खुची जो समस्याएँ हैं वो भी आपकी सॉल्व हो जाएँ। तो जो लोग नए हैं मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्लेलिस्ट में आकर जो भी विषय आपको नहीं आता है ना उस पर एक बार जाइए और देखिए कि यहाँ पर क्या पढ़ाया गया है, और वादा करता हूं आपको हर एक सब्जेक्ट यहां पर अपने आप में बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, उसके कंटेंट और उसके पढ़ाने के तरीके सब कुछ अच्छे मिलेंगे। और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है बट किसी और वीडियो में बातें करूंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा प्लीज, ठीक है, और साथ ही साथ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब जो है यही चेक करता है कि कितने लाइक्स इनको दिए जा रहे हैं और समाज में लोग इनको कितना पसंद कर रहे हैं, और आपको लगता है कि वाकई यहां पर मेहनत से काम किया जा रहा है तो आपका फर्ज बनता है लाइक करना। साथ ही साथ अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ मेरे भाई और बहन जितने भी लोग हो ना आप लोग प्लीज़ एडवर्टीजमेंट को कभी भी स्किप मत किया करो, कभी भी स्किप मत किया, सब कुछ कर लिया करो लेकिन कभी भी एडवर्टीजमेंट को स्किप मत किया करो। 10-20-30 सेकंड का एडवर्टीजमेंट होता है, अगर उतने से मेरा भला हो जाए तो आप लोग चाहेंगे मेरा भला ना हो, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा भला ना हो और कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, जाहिर सी बात है चाहने वालों की संख्या ज़्यादा होगी और ना चाहने वालों की संख्या नगण्य होगी या होगी ही नहीं, ठीक है, उनकी गिनती नहीं है, तो कम से कम आप एक काम जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।